आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, या फिर यूं कहें कि अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपके सामने लाइव स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं। आपके लिए इस वीडियो को हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ कोलैबोरेट करके बना रहे हैं जो खुद एक बड़े स्क्रिप्टर हैं। वो कई टेलीग्राम चैनल के एडमिन हैं और अब तक हजारों एप्स एवं वेबसाइट के स्क्रिप्ट बना चुके हैं। जब कोई हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस साझा करता है तो हमें बहुत नई नई चीजें सीखने को मिलती है। हमारा मिशन है आपको ऐसा कंटेंट देना जो पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध ना हो। इसी मिशन के अंतर्गत आप ये फ्री वीडियो देख पा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम आपकी मदद करने में सफल हो रहे हैं। इस वीडियो में आपके सामने डेटा कैप्चर किया जाएगा, आपके सामने डेटा को PHP फाइल में डालकर स्क्रिप्ट बनाया जाएगा, यानी जो भी होगा आपके सामने होगा। इसलिए ये वीडियो बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज का ये वीडियो स्क्रिप्टिंग के ऊपर बनाया गया अब तक का सबसे फेवरेट वीडियो होगा। आजकल हर रोज नई नई अर्निंग वेबसाइट आती रहती है, आप उनका स्क्रिप्ट बना सकते हैं। वेबसाइट की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इनका डेटा बिना पैरेलल स्पेस का कैप्चर कर सकते हैं। एंड्रॉइड 10 या उससे ऊपर वाले वर्जन के फोन में ये टूल क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से आप चाह कर भी स्क्रिप्ट नहीं बना पाते हैं। अब आपको वेबसाइट का डेटा निकाल कर स्क्रिप्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आगे वीडियो में वॉइस हमारी है, लेकिन स्क्रिप्ट बनाने का काम हमारे गेस्ट स्क्रिप्टर ने किया है, ठीक वैसे ही जैसे हॉलीवुड की मूवीज हिंदी लैंग्वेज में डब करी जाती है। आज हम इस वेबसाइट का स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, रेफर बाईपास या OTP बाईपास स्क्रिप्ट के लिए हम साइन अप करते समय का डेटा कैप्चर करते हैं। इस टॉपिक पर आपको स्क्रिप्टर जी पर वीडियो मिल जाएगा। अब हम डेटा कैप्चर करने के लिए HTTP कैनरी खोल लेते हैं और यहाँ क्लिक करके इसे एक्टिव कर लेते हैं। अब यहाँ अपना फोन नंबर, पासवर्ड, नाम और रेफर कोड एंटर करते हैं। ये मेरे एक दोस्त का रेफर कोड है, आप कोई भी रेफर कोड डाल सकते हैं। सब कुछ डालने के बाद अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब हम इस वेबसाइट में साइन अप हो चुके हैं और साथ ही साइन अप करते समय का डेटा भी कैप्चर हो चुका है। अब हम स्क्रिप्टर जी की वेबसाइट पर चलते हैं और OTP बाईपास PHP फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। ये आपको बिगनर कोर्स के अंदर मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डाउनलोड बटन पर क्लिक करते ही फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब हम अपना फाइल मैनेजर खोलते हैं। फाइल मैनेजर के अंदर डाउनलोड फोल्डर में ये फाइल होगी, इसमें से हम विदाउट OTP वाले फोल्डर के अंदर जाकर इसे खोलते हैं। इसके कोड कॉपी कर लेते हैं। अब हम अपना कोड एडिटर खोलते हैं और यहाँ इसे पेस्ट करते हैं। ऊपर के कोड में कुछ भी चेंज नहीं करना है। बीच में URL, डेटा और हेडर देखने को मिलेंगे और बगल में पेस्ट हियर लिखा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ इतना सा कोड में कॉपी पेस्ट करके हम पूरा स्क्रिप्ट बना सकते हैं। अगर आप भी एक प्रो स्क्रिप्टर बनना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, जिसमें तरह तरह के एप्स का हर प्रकार का स्क्रिप्ट बनाकर दिखाया गया है। आपको सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स इस एडवांस कोर्स में मिल जाएंगे। यहाँ आपको कई प्लान दिख जाएंगे, लेकिन आपके लिए 98 रुपीज वाला प्लान सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आप स्क्रीन पर दिख रहे कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर सिर्फ पहले 50 लर्नर्स के लिए है। अब तक सैकड़ों लोग ये कोर्स लेकर प्रो स्क्रिप्टर बन चुके हैं। अगर आपको स्क्रिप्टिंग सीखने के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। अब हम अपना डेटा कैप्चर करने वाला टूल खोलते हैं। यहाँ बहुत सारे डेटा दिख रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक डेटा ही हमारे काम का है। अगर आप सही डेटा चूज नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए हम बता दें कि जिस डेटा के URL के अंत में रजिस्टर है वही सही डेटा है, आगे हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ URL डालना है। इस डेटा के अंदर यहाँ URL मिल जाएगा। लॉन्ग प्रेस करने पर ये कॉपी हो जाएगा। अब अपनी PHP फाइल में वापस चलते हैं
और URL में पेस्ट हियर के स्थान पर पेस्ट करते हैं। इसके जस्ट नीचे डेटा डालना है जो रिक्वेस्ट टैब के अंदर प्रीव्यू में मिल जाएगा। इसे पूरा कॉपी करते हैं, फिर इस डेटा में पेस्ट हियर के स्थान पर पेस्ट करते हैं। इसके नीचे हेडर देखने को मिलेगा, इसमें पेस्ट हियर के स्थान पर एक एक कर ये सब पेस्ट करना है। ये भी रिक्वेस्ट टैब के अंदर रो में मिल जाएगा। यहाँ से हेडर डेटा कॉपी करते हैं और PHP फाइल में यहाँ पेस्ट करते हैं। एक बात याद रहे, हेडर कॉपी पेस्ट करते वक्त कंटेंट लेंथ को छोड़ देना है, यानी इसे कॉपी और पेस्ट नहीं करना है। आपका समय कीमती है, इसलिए हमने वीडियो पॉज करके सारे हेडर्स कॉपी पेस्ट कर लिए। अब डेटा कॉपी पेस्ट करने वाला काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस डेटा को देखिए, यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाना है। जैसा कि हम सभी को पता है, साइन अप करने के लिए हर बार एक नए नंबर की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये नंबर रजिस्टर हो चुका है। इसके समाधान के लिए ऊपर एक कोड मिलेगा, ये कोड हमेशा 10 अंकों का एक नया नंबर बना कर देता है। इसके सिर्फ इतने भाग को कॉपी करते हैं और फोन नंबर के स्थान पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद राइट साइड में पहले ये टाइप करना है, फिर ये टाइप करना है, और उसके लेफ्ट साइड में पहले ये टाइप करना है, फिर ये टाइप करना है। अब जब भी स्क्रिप्ट रिफ्रेश होगा, इसके अंदर 10 डिजिट का एक नया नंबर आ जाएगा। ये रेफर कोड मेरे दोस्त का है, जिसे मैंने वेबसाइट में रजिस्टर करते वक्त डाला था, लेकिन हम चाहते हैं कि जो रेफर कोड स्क्रिप्ट के इनपुट फील्ड में डाले उसका रेफर काउंट हो। इसके लिए ये कोड है, जब हम स्क्रिप्ट में रेफर कोड डालते हैं तो वो कोड इसके अंदर स्टोर हो जाता है। इसके सिर्फ इतने भाग को कॉपी करते हैं और रेफर कोड के स्थान पर पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद राइट साइड में पहले ये टाइप करना है, फिर ये टाइप करना है, और उसके लेफ्ट साइड में पहले ये टाइप करना है, फिर ये टाइप करना है। अब हम खुद को कंग्रेचुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमने स्क्रिप्ट बना लिया है। अब इस फाइल को सेव करके अपने लोकल होस्ट में खोलते हैं। लोकल होस्ट में कैसे खोलते हैं, इस टॉपिक पर हमने पहले से ही वीडियो बना रखा है। पहले हम वेबसाइट खोल लेते हैं क्योंकि उसमें बैलेंस चेक करना है और अपना रेफर कोड भी निकालना है। आप बैलेंस देख सकते हैं, 0 है। अब हम अपना रेफर कोड निकाल लेते हैं। स्क्रिप्ट में अपना रेफर कोड डालते हैं और 5-6 बार रिफ्रेश होने देते हैं। अब वेबसाइट में वापस आकर इसे रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस बढ़ गया है। स्क्रिप्ट 6 बार रिफ्रेश हुआ था और यहाँ भी 6 लोगों का नाम दिखा रहा है, यानी हर रिफ्रेश के साथ एक रेफर सक्सेस हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है, और ये वीडियो स्क्रिप्टिंग के ऊपर बनाया गया आपका अब तक का सबसे फेवरेट वीडियो बन चुका है। बताते चले, अगर आप भी एक प्रो स्क्रिप्टर बनना चाहते हैं तो स्क्रिप्टर जी का 98 रुपीज वाला प्लान जरूर एनरोल करें। और भी स्क्रिप्टिंग वीडियो के लिए स्क्रिप्टर जी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।